फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज हम बनाने वाले बुर्ज खलीफा। तो फिर हमें कुछ इस तरीके का पेज ले लेना है ब्लू कलर का और इसे मोड़ लेना है। मैंने यहाँ पर 3 पेजेस लिए। और फिर कुछ इस तरीके से इसे कट कर लेना। सीजर हो तो फिर सीजर से भी कर सकते, कटर हो तो फिर कटर से। और कुछ इस तरीके से हमें इसका रोल करना है। और उंगली से कुछ इस प्रकार नॉर्मल सा रोल कर लेना। फिर इसे ग्लू से कुछ चिपका लेना है। और ऐसे रोल्स हमें 3 करने हैं। तो फिर चलो हम अभी 3 रोल्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 रोल्स कर लिए। हमें और एक रोल करना होगा। और ये जो है हमारा लास्ट भी हो चुका है। यहाँ से थोड़ा निकल चुका है, मतलब मैंने चिपका लिया है। अभी हम हाथों से कट नहीं कर सकते, इसलिए हमें सीजर चाहिए होगी। मैं अभी इन तीनों का हमें अभी कोई काम नहीं, इसको बाजू में हटा लेते हैं। और हमें अभी सीजर लेना है और इसे 3 भागों में कट कर लेना है कुछ इस प्रकार। फिर आप देख सकते हो मैंने ये 3 कर लिए। और हमें और एक पेज चाहिए होगा, इसका हमें बड़ा रोल करना है। और हमें कुछ इस प्रकार थोड़ा सा कट कर लेना है। ज्यादा नहीं करना है। हमें इसे कट कर लेना है क्योंकि बुर्ज खलीफा का जो लास्ट होता है वो तो उसको बनाने के लिए। और फिर हमने ये कट कर लिया है, बाकी का जो है हमें रोल कर लेना है। तो
और फिर छोटा कर लेना है रूम को पतला, उसके बाद इसे ग्लू से चिपका लेना है। फिर हमने लास्ट रोल भी कर लिया है और इसका कुछ इस प्रकार से रोल करना है। सबसे अलग है इसका रोल। इसके लिए हमें स्क्वायर चाहिए होगा, स्क्वायर शेप में कुछ रेक्टेंगल। और फिर इस प्रकार इसे रोल कर लेना है। तो फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा कूड़ा है, ये हमारा जो ठीक से चिपका नहीं है, और चिपका लेते हैं फ्रेंड्स, चिपक चुका है। हमें क्या करना है अभी बताता हूँ। पहले इसको लेना है और एक बड़ा वाला रोल लेना है, ग्लू लगाना है, इसे कुछ इस प्रकार से चिपका लेना है। थोड़ा सा ऊपर चाहिए, ये देखिए मैंने यहाँ से थोड़ा गैप छोड़ दिया। और एक रोल को लेना है और ग्लू लगा लेना है। इसे हमें कुछ इस प्रकार नीचे से ही लगाना है, ये देखिए। ये भी चिपक चुका है। अभी हमें लेना है लास्ट रोल। और इसको भी कुछ इस प्रकार से उसे यहाँ पर चिपका लेना है। ग्लू नहीं लगा तो फिर से लगा लेते हैं। तो फिर देखिए हमने कुछ इस प्रकार से इसको चिपका लिया है, ये थोड़ा नीचे आ गया। और फिर हमें छोटे ही लेने, और इसे कुछ इस प्रकार से चिपका देना है इधर, थोड़ा सा नीचे ही चाहिए। और इसे सारे रोल्स को चिपका लेना है।
नीचे का सारा और ऊपर से थोड़ा सा ग्लू देना है, लगा देना है। कुछ इस प्रकार से लगा देना और थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा हमें तो फिर इसका कुछ आधा कर लेते हैं। ऐसे कुछ इस प्रकार से इसको भी चिपका लेना। और ऐसे चिपका लेना इसको। और फ्रेंड इसके बाद हमको लगने वाला है बॉक्स, तो फिर रुको मैं अभी लाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो फिर मैंने बॉक्स ला लिए इधर और हमें कुछ ये वाला हिस्सा ही चाहिए छोटा सा। और इसको इसकी शेप दे देनी है तो यार ऊपर आता है फ्रेंड्स ये यार निकल जा रहा है ऊपर का फ्रेंड्स निकल दे जा रहा है। बाकी का हिस्सा जो बचा होगा इसको भी ले लेना है, कट कर लेना है और इसको भी एक ग्लू से चिपका लेना है। ये जो हमारा बचा हुआ पेपर है इसको फिर मैंने कुछ इस तरीके से इसको चिपका दिया है। और हमें कुछ इसको लेना है और इसको कुछ इस प्रकार से चिपका लेना है। जब तक ये सूखता है मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो फिर फ्रेंड्स हमने जो ये कट कर लिया था इसके ऊपर हमें बुर्ज खलीफा लिखना है। अभी बॉक्स का कोई काम नहीं है और K-H-A L-R-F-A। यहाँ हमारा थोड़ा थोड़ा ग्लू बच जाता है तो फिर हम कुछ इस तरीके से इसको भी लगा लेते हैं। यार गिर रहा है।
देखिए मैंने यहाँ पर चिपका दिया है, दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको। देखिए यहाँ पर, और यहाँ से जो थोड़ा ग्लू बच चुका है, यहाँ पर भी थोड़ा सा बच चुका था, मैंने उसको ऊपर लगाया है। तो फिर आप देख सकते हैं ये बन चुका है। Yep.